हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 में बेटा नेक्स्ट है हमारे दो पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करना और इसको हाईलाइट भी करना। पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए होलो स्फेरिकल सेल। होलो स्फेरिकल सेल, देखो ये होलो स्फेरिकल सेल है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या है, सेम है सभी जगह पे, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। एंड अ पॉइंट मास सिचुएटेड आउटसाइड, पॉइंट मास लेट्स से एम है, यहाँ पे पॉइंट मास एम आउटसाइड इज जस्ट एज इफ द एंटायर मास ऑफ द सेल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। अगर ऐसी सिचुएशन है तो पहले देखो ये जो सेल है मान लो कि उसका मास एम है और ये पॉइंट मास एम है, तो दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, एफ जी। क्लियर? बट ये पॉइंट मास सिचुएटेड आउटसाइड इज जस्ट एज इफ द एंटायर मास ऑफ द सेल, मतलब ये सेल का एंटायर जो मास है वो कहां पे कंसंट्रेट होता है, इसके सेंटर पे, याद रखो एंटायर मास of this cell is concentrated over here. Clear? Second point है, the force of attraction due to a hollow spherical cell of uniform density. जो force of attraction है for hollow spherical cell of uniform density on a point mass situated inside is zero. मान लो कि यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मास है, वो आप जानते हो उसके सरफेस पे होते हैं कि नहीं, ठीक है, और मान लो कि ये सेंटर है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इनसाइड की हम बात कर रहे हैं, आउटसाइड नहीं, ये आउटसाइड का था, अभी इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट मास होते हैं, ठीक है, उससे जो भी हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है वो इनसाइड में ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। आउटसाइड की सिचुएशन में सेंटर पे होता है कंसंट्रेटेड, और इनसाइड की जो सिचुएशन होती है वहां पे ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे, कैपिटल जी। कैपिटल जी के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था। फिर से इस थ्योरी को हम कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि कैवेंडिश ने ही जी की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो फाइंड किया था इन देखो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म इन 1798 में उसने पूरा सेटअप कैसे किया था वो वन बाय वन देखते हैं। देखो उसने ए बी रोड लिया, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे रोड लिया, ए बी रोड, और इसके जो दो एंड्स थे वहां पे लेड स्पीयर, ए और बी पोजीशन है, वहां पे लेड स्पीयर, एम मास के दो लेड स्पीयर, स्मॉल लेड स्पीयर यहाँ पे क्या कर दिए, बाउंड कर दिए, ठीक है। तो ये जो रोड है और रोड के दो एंड्स है वहां पे स्मॉल मास एम के दो लेड स्पीयर है वहां पे बाउंड कर दिए, ठीक है। अभी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको लाइट वायर के साथ, उसके सेंटर में यहाँ पे लाइट वायर एक रख दिया और उसको ये रिजिड सपोर्ट के साथ क्या कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये जो पूरा मतलब रोड था उसके जस्ट सेंटर में से एक लाइट वायर लिया और लाइट वायर यहाँ पे हमने बाउंड कर दिया, जिसकी लेंथ कितनी है, एल जितनी लेंथ। तो ये थ्योरी में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्लियर। एल लेंथ है इस लाइट वायर की,
लाइट वायर क्यों लिया है? क्योंकि जब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ऐसे घुमाए तब उसमें से टॉर्क जनरेट होगा, और एक्चुअल में टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज नथिंग बट अ एंगुलर फोर्स। जब हम स्क्रू टाइट करते तब हम फोर्स कैसे लगाते? ऐसे एंगुलर लगाते, ठीक है ना? तो एंगुलर जो फोर्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। कोई भी हम जो बोल्ट होता है उसकी नट जब हम टाइट करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? उसमें एंगुलर फोर्स जनरेट होता है जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। क्लियर? किसी फोर व्हील या टू व्हीलर का जब जो टायर है उसके जो बोल्ट है वो जो हम टाइट करते हैं या उसको लूज करते हैं, ठीक है, तब भी हम जो लगाते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे भी टॉर्क जनरेट होगा। ऑब्वियस है, टॉर्क जनरेट होगा, ऐसे पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे जब घूमेगा, फिर से आप छोड़ दोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है, वो ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर करने की वो ट्राई करेगा, ठीक है, जिसको हम रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। क्लियर? जैसे रबर में होता है, रबर और स्प्रिंग में जैसे हमने बोला था रिस्टोरिंग फोर्स, जब हम स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स है अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है उससे ऑपोजिट साइड में हमें फोर्स अप्लाई करती है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते थे, इसमें है रिस्टोरिंग टॉर्क। चलो, और दो भी यहाँ पे हमने दो मास S1 और S2 भी लिए ये दो एंड के साथ, वो d डिस्टेंस पे लिए जिसका मास है कैपिटल M, यहाँ पे भी कितना है? कैपिटल M। जैसे पूरा घूमेगा दैट मीन्स उसकी न्यू पोजिशन S2 की न्यू पोजीशन S2 होगी और S1 की जो पोजीशन है वो S1 होगी, ऐसे पूरा घूमेगा तब, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन में आप घुमा सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलो, अभी हमारे पास देखो स्मॉल m और कैपिटल M ये दो मास है, तो दो मास के जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, न्यूटन ने बोला, ठीक है। तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू G, एक है कैपिटल M दूसरा है स्मॉल m और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी स्क्वायर, नंबर फर्स्ट देते हैं, क्लियर। चलो, दूसरा इक्वेशन क्या होगा? टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क क्वांटिटी हम चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसका फॉर्मूला याद रखो, टॉर्क टर्म इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर मतलब यहां से जो डिस्टेंस हमें दिया है वो कितना है? एल। तो अभी ये क्रॉस सिंबल है वो निकाल देते हैं और वेक्टर साइन भी निकाल देते हैं, तो आर की जगह पे एल और एफ तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो एल एफ हो जाएगा कि नहीं? चलो रखो वैल्यू, तो एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर इंटू हो जाएगा एल, नंबर सेकेंड, क्लियर। अभी बात करते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क की, चलो न्यू टॉर्क है रिस्टोरिंग मतलब टाउ डैश लिखेंगे, याद रखो रिस्टोरिंग टॉर्क का कांस्टेंट होता है के, और रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में है, दैट मीन्स उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और के क्या है? टॉर्क कांस्टेंट, ओके। चलो, तो ए नंबर थर्ड हो गया। अभी आप जानते हो कि यहाँ पे जो भी हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और जैसे ही छोड़ देते तो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजिशन वो एक्वायर करने की ट्राई करता है, दैट मीन्स ए टॉर्क और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या होगा? इक्वल होगा। सो इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, सो दैट क्या होगा? जी एम एम एल डिवाइड बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू के थीटा। हमें तो जी की वैल्यू चाहिए, इसलिए के थीटा डी स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एम एम और एल। ये कैवेंडिश ने ये फॉर्मूला डिराइव किया पूरा जी के लिए। अभी देखो इसमें
कैवेंडिश ने इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू रखी, जैसे कि ये है कांस्टेंट की वैल्यू, थीटा मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, डी मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, स्टैंडर्ड डिस्टेंस रखा, स्मॉल एम, कैपिटल एम और एल, ये सबकी स्टैंडर्ड वैल्यू उसने जब पुट की, तब उसमें से पूरा उसको एक डिराइवेशन और एक मैग्नीट्यूड मिला जी का 6.67 इंटू 10^-11। क्लियर? चलो इसका यूनिट कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से, सॉरी यहाँ से इसको सब्जेक्ट बनाओ तो फोर्स, ये डी स्क्वायर सामने जाएगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, डी स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और मास इंटू मास मतलब के जी इंटू के जी, और ये डाउन साइड मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा के जी स्क्वायर, ये हो गया जी का मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट। क्लियर? चलो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी न्यूटन, मतलब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था। क्लियर? चलो डी स्क्वायर एम स्क्वायर है तो मतलब उसका एल होगा, एल का स्क्वायर होगा, और के जी स्क्वायर है मतलब मास का स्क्वायर होगा। चलो सिंप्लीफाई करो तो ए एम ए ऊपर जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा एम रेस टू माइनस वन, एल का क्यूब होगा और टी रेस टू माइनस टू, ये जी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना। क्लियर? तो कैवेंडिश का जो फुल एक्सपेरिमेंट्स है वो जस्ट टू फाइंड आउट दी मैग्नीट्यूड ऑफ जी एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इट, ठीक है, तो पूरा ऐसा डेराइवेशन हमें करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।